अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हैं तो देर ए हाई चांस कि आप लोग सिर्फ डिजाइन में फोकस करते हैं तो मैं यहां पर वेब डेवलपर्स को दो कैटेगरी में बांटना चाहूंगा फ्रंट एंड डेवलपर्स

बराबर मैथ्स लगती है लेकिन अगर मैं बात करूं बैकएंड डेवलपमेंट की तो बैकएंड डेवलपमेंट में होता क्या है कि आप लोग बना रहे होते हैं वेबसाइट्स वहां पर आप लोगों को डिजाइन करना पड़ सकता है पेजिनेशन जैसे कि मान लो अगर आप लोगों को एक पेज से दूसरे पेज में जाना है और आपको पेज नंबर दिया जाए तब आपको एक छोटा सा फंक्शन डिफाइन करना पड़ सकता है जो कि पेज नंबर को लेगा और बताएगा कि आप लोगों को कितने आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल नंबर ये से आर्टिकल नंबर ये आपको शो करना है मैं एक ब्लॉग का एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं सिंपल सा और ये मैंने अपनी फ्लास्क सीरीज जेंगो सीरीज इस सब में आप लोगों को करके भी दिखा रखा है वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगता है थोड़ी सी गणित लग जाती है बट क्या अगर आप लोगों को इस तरह की गणित नहीं आती आप लोगों को फंक्शंस वगैरह बनाने नहीं आते आप लोगों की मैथ्स कच्ची है तो क्या आप बैक एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते आप लोग बैक एंड डेवलपमेंट बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे ब्लॉग हैं कि आप लोग को बिल्कुल भी अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है यानी कि पेजिनेशन का आपको प्लग मिल जाएगा कोई भी ऐसी चीज जैसे कि ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है आपको आप को बना कोड मिल जाता है इंटरनेट पर और आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हैं तो मैं कहूंगा कि ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत है ही नहीं आप सेफली कॉन्क्लूड कर सकते हैं तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि वेब डेवलपर्स को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आनी चाहिए मैं कहूँगा वेब डेवलपर्स अपनी बेसिक मैथ्स को इम्प्रूव करते रहें बिना ज्यादा टेंशन लिए और एक बुक आप लोगों को बताऊंगा जो कि वेब डेवलपर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है प्ले विद ग्राफ्स ये एक अमित अग्रवाल नाम के ऑथर की बुक है और बहुत अमेजिंग बुक है पतली सी बुक है प्ले विद ग्राफ्स ये आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में बताती है और मैं ये आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब एक वेब डेवलपर होते हैं तो बताओ वेब डेवलपर आप लोगों को ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ सकते हैं आप लोगों को आपका क्लाइंट बोल सकता है कि यार मुझे जो ग्रोथ है मेरी सेल्स की उसको ज़रा प्लॉट करके दिखाओ तो हाँ यार आप लोगों को एक फंक्शन और ग्राफ इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और कैसे इनको प्लॉट किया जाता है इस सब की नॉलेज होनी चाहिए और ये बुक आप लोग आराम से अगर पढ़ते हैं अपने डेवलपमेंट के साथ अपनी डेली जॉब के साथ अपनी डेली लाइफ के साथ अपनी फ्रीलांसिंग के साथ जो भी आप लोग वेब डेवलपमेंट में कर रहे हैं उसके साथ अगर आप लोग धीरे 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 पढ़ रहे हैं और पढ़ते, पढ़ते 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 आप लोग एक टाइम पर दो तीन महीने में बहुत अच्छी तरह से इसको सीख जाएंगे एक वार्निंग यहाँ पर देना चाहता हूँ कुछ ग्राफ्स इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाले भी हैं तो आप लोगों को नॉर्मल सिंपल ग्राफ्स पढ़ने जैसे कि आप लोग पढ़ लो लीनियर एक ग्राफ कैसे बनाते हैं फिर हाइपरबोला कैसे बनाते हैं सर्कल कैसे बनाते हैं एलिप्स कैसे बनाते हैं आप लोग एक तरह से एक आइडिया ले लो कि भाई एक फंक्शन है अगर तो उसका ग्राफ कैसे बनता है और ये बुक आप लोगों को वो चीज बहुत अच्छी तरह से सिखाती है बात करते हैं एक डेटा साइंटिस्ट की जो की बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं डेटा साइंस लिख देता हूँ अगर आप लोग एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो और आप मैथ्स को हेट करते हैं तो आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है कि डेटा साइंस इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स और आप लोगों को कैलकुलस प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ये सब चीज़ें आना जरूरी हैं यही चीज़ मशीन लर्निंग के लिए भी लागू होती है इसलिए मैं यहाँ पर डेटा साइंस प्लस एम इसको कर देता हूँ आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स और लीनियर एजबरा बहुत अच्छे से आनी चाहिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेटा साइंस इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स डेटा साइंस इज ऑल अबाउट लीनियर अल्जबरा डेटा साइंस इज़ ऑल अबाउट वर्किंग ऑन द डेटा और अगर आप लोग एक डेटा के साथ काम करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स लगेगी ही लगेगी अगर आप लोग एम मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को लीनियर अल्जबरा लगेगी ही लगेगी उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं शाउट आउट देना चाहूंगा वैक्टर्स को तो वैक्टर्स को बिग शाउट आउट जो कि बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं वैक्टर्स प्लस Matrizes. वैक्टर्स एंड मेट्रेसिस अच्छा रोल इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि यार देखो जब आप कोसाइन सिमिलैटी वगैरह निकालते हो मान लो मैं कुछ एम्बेडिंग्स बना रहा हूँ मान लो मैं एक सेंटेंस को एक वैक्टर के तौर पे मॉडल करना चाहूँगा और एक दूसरे सेंटेंस को भी वैक्टर के तौर पे मॉडल करना चाहूँगा और अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेज के बीच में सिमिलैरिटी देखना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों वैक्टर्स के बीच में एंगल देख लूँगा अगर ये दोनों वैक्टर्स पैरल हैं इसका मतलब ये सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अगर ये पैरल नहीं है पर है तो मतलब ये अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर

probability. न अगर आप लोग डेटा साइंस मशीन लर्निंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को मैथमेटिक्स अपनी बहुत पक्की करनी पड़ेगी अगर आपकी मैथमेटिक्स कच्ची है तो आपको वो पक्की करनी पड़ेगी ये कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं है कि आपने ये टॉपिक्स पढ़े और आपको एम आ गई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को इसी के साथ साथ इसी के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आएँगे बट आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे जैसे वो सब टॉपिक्स आते हैं आप वैसे, वैसे वैसे उनको लर्न कर सकते हैं हाई लेवल पर आप लोगों को टॉपिक्स जो हैं वो सीखने पड़ते हैं मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए और एक और बात यह है कि अगर आप तो प्रोग्रामिंग नहीं आती और ये टॉपिक्स आते हैं तो मैं बोलना चाहूंगा प्रोग्रामिंग आसान है ये टॉपिक्स रिलेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट हैं तो प्रोग्रामिंग तो हो जाती है इसीलिए जब आप एम या फिर इस तरह की किसी भी जॉब का इंटरव्यू देने चाहते हैं तो आप लोगों से ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिसने ये टॉपिक्स कर लिए जिसको इन टॉपिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामिंग तो कर ही लेगा वो बंदा प्रोग्रामिंग तो उसके लिए बिल्कुल बाएँ हाथ का खेल है अब मैं यहाँ पर मूव करना चाहूंगा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की तरफ तो अगर आप लोग कॉम्पटेटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोर्दम्स और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोर्डम्स में टॉपिक आते हैं जैसे कि लॉग्स हो गए और उसी के साथ साथ फंक्शंस हो गए और किस तरह से आप लोग नंबर्स के साथ खेल सकते हो जैसे कि प्राइम नंबर्स होल नंबर्स ये सब चीज़ों के ज्ञान आप लोगों को होने चाहिए क्योंकि ये सारे टर्म्स आप लोगों को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में दिखाई पड़ सकते हैं तो आप लोगों को इन सब टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपकी मैथ्स जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आप लोगों को उतना ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में कभी भी कोई सा भी मैथमेटिकल टर्म आपको देखने को मिल सकता है तो मैं तो कहता हूँ जितनी स्ट्रांग आप लोग अपनी मैथ्स रखना चाहते हैं रख सकते हैं उतनी रखें और यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स ऐड कर देता हूँ मैं कहूँगा आप नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ की जो मैथ्स है उसको आप लोग रिहाइट्रेट करते रहें क्योंकि अगर आप लोग उसको रिहाइट्रेट करेंगे तो जितनी मैथमेटिक्स आप लोगों को चाहिए वो आप लोग ऑटोमेटिकली सीख ही जाएंगे यहाँ पर आउट देना चाहूंगा परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन को ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पॉपअप करता है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में और प्रोग्रामिंग्स में मैंने 9, 10, 11, 12 की मैथ्स को इसलिए शामिल कर दिया है क्योंकि आप लोगों को मैं वो टॉपिक्स एक एक करके बता नहीं सकता तो आप लोग जाएं वापस 9, 10, 11, 12 की मैथ्स में जितनी अच्छी आप लोग मैथ्स कर सकते हैं उतनी आप कर लें मुझे पता है कि यह बहुत अजीब लगेगा आप लोगों को कि मुझे टॉपिक्स बता दो ना मैं कहूँगा कि कॉम्पिटेट प्रोग्रामिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप लोगों की मैथमेटिक्स को भी टेस्ट किया जाता है और आप उसको किस तरह से कोड में मॉडल कर रहे हैं उस चीज को टेस्ट किया जाता है तो आप लोग 9, 10, 11, 12 की मैथ्स को धीरे धीरे रिहाइट्रेट करके सीखते जाएं, उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ते जाएं, और आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप लोग कोर्सेज चाहते हैं देखना तो मैंने बना रखा है एक कोर्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट का भी मैंने कंप्लीट कोर्स बना रखा है और मैथमेटिक्स फॉर प्रोग्रामिंग का भी मैं कोर्स सोच रहा हूँ बनाऊँ बट आई डोंट तो नो कितना रेलिवेंट वो होने वाला है इस चैनल पर तो क्या आप लोग चाहते हैं कि एक वीडियो जिसमें कि मैथमेटिक्स फॉर प्रोग्रामिंग मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को मुझे जरूर बताना यार कॉमेंट सेक्शन में मैं एक वीडियो बना दूंगा कम्प्लीट बट आई डोंट नो कि कितना वो रेलिवेंट रहेगा आप लोगों के लिए तो मुझे नीचे आप लोग कॉमेंट्स करके बताओगे तो जरूर बनाऊंगा इसके बाद मूव करना चाहूंगा गेम डेवलपमेंट की तरफ तो गेम डेवलपमेंट में मैं इंक्लूड करना चाहूंगा बेसिक मैथ्स जो कि आप लोगों को लगेगी लगेगी और यहाँ पर आप लोगों को फिज़िक्स भी लगती है मुझे पता है कि फिज़िक्स एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है बट फिज़िक्स भी लगती है कि जब आप बॉल को फेंक रहे हैं तो उसका क्या ट्रेजैक्ट्री रहेगी पैराबोलिक रहेगी कैसी रहेगी जब आप लोग किसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक रहे हैं तो कितने टाइम में उसको नीचे गिरना चाहिए कितनी दूरी पर गिरना चाहिए उसके हिसाब से आप लोगों को वो चीज़ सीखनी पड़ती है अगर आप लोग थ्री डायमेंशनल गेम बनाना चाहते हैं तो इंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पर टू डी प्लस थ्री ज्योमेट्री को अब आप लोग इन सारे टॉपिक से डर मत जाना क्योंकि यार जो गेम डेवलपमेंट है उसमें आप लोग बहुत ईजिल लाइब्रेरी फ्रेमवर्क वगैरह का इस्तेमाल करके गेम्स बना सकते हो ऐसा नहीं है कि मैंने ये टॉपिक्स यहाँ पर लिख दिए और आपको ये टॉपिक्स नहीं आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत है ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है आप लोग इन टॉपिक्स को रिहाइट्रेट करते रहें ये वो हैं जो अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से गेम्स बना सकते हैं इसके बाद मैं एक अदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट की बात करूंगा और यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करेंगे स्क्रिप्टिंग को किसी भी तरह की लाइब्रेरीज को जैसे कि अगर आप पाइथन का एक पैकेज बनाना चाहते हैं आप लोग सी की एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं C++ की लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं जावा का पैकेज बनाना चाहते हैं तो उस तरह की स्क्रिप्टिंग को मैं यहाँ पर अदर्स में डालूंगा और मैं यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अलोंग विद द कॉन्सेप्ट जब जब वो आ रहा है आपके डेवलपमेंट में आप उसको सीखते जाएँ दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट स्ट्रेटी अगर आप लोग किसी भी स्क्रिप्टिंग uh, में या कोई भी मिसलिनियस काइड ऑफ प्रोग्रामिंग करते हैं जैसे कि आप जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं एक पैकेज बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी मैथ्स लग रही है तो आप लोगों को जैसे जैसे वो टॉपिक आता जा रहा है वैसे वैसे अपने डिवेलपमेंट में उसको सीखते जाना है सीखते जाना है कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामर्स के लिए उनको मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इसमें जैसे कि डेसिमल्स है रेशियो एंड प्रोपोशंस हैं और बूलियल एल्जबरा भी तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इन सारे टॉपिक्स को जिनकी बात हम लोगों ने करी है आप इन लोगों को सेपरेटली लर्न ना करें आप इनको लर्न करें अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स और आप लोगों की प्रोग्रामिंग जो है वो बेहतर होती जाएगी आई होप कि ये सब आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा मैंने इसको एक ब्रॉड कैटेगरी में बांट दिया अगर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स फॉर प्रोग्रामर्स के लिए वो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गायस थैंक यू सो मच गायस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम